भांजे के एनकाउंटर को भुनाने में जुटा आतंक का मामा। मसूद अजहर का 72 हूरों वाला झांसा। आतंकियों को जन्नत में 72 हूर का दिखाया सपना। भांजे की मौत पर बिलख कर रोया आतंक का मामा। खुद चोट लगी तो हुआ दर्द का एहसास। हजारों मौत के सौदागर के निकले खून के आंसू। आतंकी मामा के घड़ियाली आंसू। पाकिस्तान में बैठा आतंक काका मसूद अजहर अपने भांजे तलहा रशीद की मौत पर खून के आंसू बहा रहा है, तड़प रहा है, बौखला उठा है और अपने भांजे के एनकाउंटर को भुनाने की कोशिश में जुट गया है। एक ऑडियो क्लिप जारी करके अजहर मसूद ने कहा कि उसके भांजे की मौत बेकार नहीं जाएगी, जन्नत में उसे इसका इनाम मिलेगा, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। और सिर्फ यही नहीं, मसूद अजहर ने कहा कि तलहा रशीद मरा नहीं है, जिंदा है। यह तस्वीर है जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी तलहा रशीद की। इसे मारा तो गया हिंदुस्तान में, लेकिन इसकी मौत की चीख सुनाई दी पाकिस्तान में। जैश सरगना अजहर मसूद उसकी मौत से बिलख पड़ा, उसकी आंख से खून के आंसू निकल रहे हैं। तलहा रशीद कोई और नहीं, उसके दिल और जिगर का टुकड़ा था। तलहा अजहर मसूद का भांजा था, जिसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 9 नवंबर को सेना, सीआरपीएफ और एसओजी के साझा ऑपरेशन में मार गिराया। अजहर को उसकी मौत का दुख तो है, लेकिन वो उसे भुनाने में भी जुट गया है। अब अजहर मसूद दूसरे आतंकियों को हूरों का झांसा दे रहा है। वो कह रहा है कि मौत के बाद उन्हें जन्नत में एक दो नहीं बल्कि 72 हूरें मिलेंगी। शहीद के लिए अल्लाह ताला के यहाँ 6 खसूसी इनामात हैं। नंबर 1, खून के पहले कतरे के साथ उसकी मगफिरत कर दी जाती है और जन्नत में उसका मकाम उसको दिखला दिया जाता है। नंबर 2, उसे अजाब कब्र से बचा लिया जाता है। नंबर 3, क़यामत के दिन की बड़ी घबराहट से वो महफूज रहता है। नंबर 4, उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है, जिसका एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतर है। नंबर 5, 72 हूरे ईन से उसका निकाह कर दिया जाता है। सुना आपने कैसे आतंक काका अजहर मसूद आतंकियों को भड़का रहा है। उन्हें बता रहा है कि अगर आतंक फैलाते हुए उनकी जान भी चली गई तो वो दुख ना करें, अफसोस ना करें, क्योंकि जन्नत में हूर उनका इंतजार कर रही है। उसके सर पर वकार का ताज रखा जाता है, जिसका एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है। नंबर 5, 72 हूरे ईन से उसका निकाह कर दिया जाता है। तलहा रशीद की मौत के बाद अजहर मसूद की तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया है। इस टेप में अजहर ने कहा है कि उसकी भांजे की मौत बेकार नहीं जाएगी। शहीद के मरने का इनकार नहीं, वो जरूर मरा है, मगर उसके मुर्दा होने का इनकार है कि वो मौत आने के बाद मुर्दा नहीं हुआ। इन्हें मुर्दा कहोगे तो कुरान के नाफरमान, इन्हें मुर्दा समझोगे तो कुरान के नाफरमान, तो फिर हम इन्हें क्या समझें। फरमाया बल आहिया, वो जिंदा हैं, इन्हें जिंदा मानो, इन्हें जिंदा समझो। हाँ, उनकी यह जिंदगी तुम्हारी महदूद अकल से समझी नहीं जा सकती, मगर तुमने ना अर्श देखा ना कुर्सी, मगर यकीन रखना जरूरी है कि अर्श भी है और कुर्सी भी, बस इसी तरह यह यकीन रखना लाजमी है कि शहीद जिंदा है। दीवाने को सलाम। भांजे की मौत का दर्द पाकिस्तान में बैठे अजहर मसूद की ऑडियो में दिख रहा है। वो अपने भांजे को दीवाना कह रहा है, उसकी मौत को दीवानगी करार दे रहा है। 9 मिनट की ऑडियो क्लिप में अजहर मसूद ने अपने भांजे की मौत को हर तरह से भुनाने की कोशिश की है। उसने अपने आतंकियों से कहा है कि उसकी मौत एक नेक काम में हुई है। तुम मेरे इन दोस्तों को ले आओ जिन्होंने मेरी रजा के लिए अपना खून बहाया था, फिर शुहादा आएंगे और करीब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के करीब, अल्लाह ताला के दोस्त, अल्लाह ताला के प्यारे। दीवानों को उनकी दीवानगी मुबारक हो। सब कुछ लुटा के राह मोहब्बत में अहले दिल, खुश हैं कि जैसे दौलत कौनैन पा गए। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अजहर मसूद शायद ये भूल गया कि भांजे की मौत को भुनाने की उसकी सारी कोशिश बेकार है,
क्योंकि सेना एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार रही है। जब से सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, आतंकी बौखला गए हैं। वो जहां तहां छिपकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस साल सेना ने 178 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें 6 से ज्यादा टॉप के कमांडर हैं। लश्कर के 51 आतंकियों का सेना ने सफाया किया। हिजबुल के इस साल 43 आतंकी मारे गए। वहीं जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकियों को ढेर किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। समस्या एक रात में हल नहीं होती है। इस समस्या को हल करने में जो हम है हर तरीके से हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे आप जानते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वहाँ की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी कोशिश कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका अलग से काम है। तो सब मिलजुल कर एकजुट होकर कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर इस तरह से कार्रवाई चलते रही तो सफलता अवश्य मिलेगी। अजहर मसूद जानता है कि पाकिस्तान की धरती पर बैठकर उनके आतंक की नापाक साजिश कम हो रही है। आज उसका भांजा तलहा रशीद मारा गया, कल किसी और का बेटा और भतीजा भी मारा जाएगा, क्योंकि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।